तो भाई अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे के ऊपर और यहाँ से गुजरा था, मैंने पीछे देखा एक बढ़िया सा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ एक 5-स्टार किचन। ऐसा किचन है भाई, इतना कमाल का खाना मिलता है। NRI भाई है, बाहर से आए हैं यहाँ पे हाईवे के ऊपर, इतना कमाल कमाल का खाना बिक रहे हैं। 70 से 80 तरह की आइटमें हैं और सारी की सारी 5-स्टार। आ जाओ दिखाऊं कौन सी है भाई। ये सबसे पहले तो लुक चेक करो, बढ़िया बना है और इतना बड़ा मेन्यू है, इतनी किचन पूरा इस टाइम फायर में है, कस्टमर्स इधर खड़े ऑर्डर ले रहे हो। सर क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, बढ़िया। सत्या जी, किचन दिखाएं सर आपके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, दिखाओ जी, दिखाओ भाई। ये चीज पहली बार ट्रक में देख रहा हूँ, सामने खिड़की देखो, ये देखो जी यहाँ का कैश काउंटर, यहाँ पे आपको स्लिप लेनी है और सामने लेनी है, फूड मिलेगा वहाँ से। चलो आपको अंदर से ट्रक दिखाता हूँ। ये देखो भाई, अंदर एंटर हो गए और ये सामने ही ना ग्रिल लगा हुआ और यहाँ पे ग्रिल सैंडविच बनाया जा रहा है भैया। ग्रिल सैंडविच और रैप वेजीज वाला एकदम बढ़िया, और छोटे से फूड ट्रक के अंदर ना भाई पूरा का पूरा बड़ा किचन सेटअप किया हुआ है। सर थैंक यू, सबसे पहले तो टाइम दे दिया आपने अपना। वेलकम सर। सर नाम बताइए आप अपना, क्या है? शरणप्रीत सिंह जी। शरण भाजी, हाईवे के ऊपर आपका ट्रक है? हाँ जी, हाँ जी। पूरे मतलब मैं बोलूंगा फिरोजपुर से लेके दिल्ली तक ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास जरूर रुक रहे हैं। बिल्कुल सर। ऐसा क्या सर खिला रहे हो लोगों को आप? सर स्वाद खिला रहे हैं अपन। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, स्वाद खिला रहे हैं। और ये सामने देखो एक बार बड़ा तवा, इस साइड ये फ्रायर्स लगे हुए हैं, उधर पीछे किचन चल रही है। भाजी मैंने सुना आप बाहर से आए हो? हाँ जी, हाँ जी, सिंगापुर से। सिंगापुर से? हाँ जी, हाँ जी। सिंगापुर में क्या करते थे सर आप? वहाँ पे शेफ की नौकरी करता था। शेफ की नौकरी सिंगापुर में की आपने? हाँ जी, हाँ जी। सर दिखाइए अभी क्या लग रहा है यहाँ पे? बर्गर लगे हैं सर। ये देखो भाई, ये बर्गर्स लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। वाह वाह वाह। और ये बर्गर सर लंबा बन? हाँ बर्गर तो गोल होता है, यहाँ पे लंबा बन मिलता है सर। क्या बात है, खुद बनवाते हो? हाँ जी, खुद बनवाते हैं। सर दिखाइए एक बार स्क्रैच से कैसे बनता है ये बर्गर, देखे कटिंग होनी शुरू हो गई है, बन देखो एक बार। सर ये बन की लुक भी बड़ी शाइनी है, बिना मक्खन के शाइन कर रहा है ये तो। सर ऐसे ही है, मटेरियल ही ऐसा पाते हैं। अच्छा। हाँ जी भाई, अच्छे मटेरियल से बन बनाया जाता है, जिसकी वजह से इतनी बढ़िया शाइन आ रही है। और छोटे से ट्रक के अंदर सारा कुछ मैनेज किया हुआ है। एक बार फाइनल लुक चेक करूंगा सर। और क्या क्या होता है अपने पास? आपका नूडल्स होते हैं, मंचूरियन, पिज्जा, रोल, फ्राइज, सब सैंडविच, सारा कुछ होता है। मतलब सर जितनी एक फास्ट फूड के अंदर आइटम्स आती है सारी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया भाई, जो पहली शुरुआत करते हैं बर्गर के साथ करते हैं। ये देखो जी, ये बर्गर का तवा सेट होना शुरू हो गया। और बर्गर भाई आपको लग रहा होगा कि लंबे वाले कैसे हैं, पर यहाँ यही चलते हैं। और बंद देखो, इतना बढ़िया सिका हुआ बन है ना, ऐसे लग रहा है मक्खन पहले लगाया हुआ भाई जी। सही है सर, क्वालिटी देते हैं। क्या बात है जी, ये देखिए जी लगातार बर्गर्स, ये फाइनल लुक है जी बर्गर की। इधर टिक्कियाँ लगाई जा रही हैं, इस साइड कितने पिज्जे लगा रहे हो सर? ये 8-9 पिज्जे एक साथ लगाए जा रहे हैं भाई। सारे एक ही तरह के या अलग अलग हैं? अभी एक तरह के लग रहे हैं सर। अच्छा, एक ही तरह के। ये देखो भाई एक तंदूरी बर्गर। वाह। और इधर ऑर्डर आते जा रहे हैं, अभी आप फोकस इस पर ही करो क्योंकि भाई बहुत सारी आइटमें हैं। ट्रक देखने में छोटा लग रहा होगा पर आइटम्स बहुत सारी हैं इसमें। वाह वाह वाह, ये देखो कैचअप आई, ऊपर पत्ता गोभी, प्याज, स्लो पा, मेयोनीज, हरी चटनी, पनीर का स्लाइस, तंदूरी सॉस, फिर से सैलड, फिर टमाटो केचप और ये बन। वाह, ये सर कौन सा बर्गर? तंदूरी बर्गर जी। तंदूरी बर्गर खाना ही। और बाकी ये सारे कौन से लग रहे हैं सर? ये सब अलग अलग से ऑर्डर जैसे लग रहे हैं वैसे ही है। जैसे जैसे भाई ऑर्डर आता रहता है, कस्टमर का आवाज आती है तो वैसे वैसे चलता रहता है। ये देखो फिलहाल तंदूरी बर्गर पैक, और इधर ये केचप आ गई सारी, ऊपर देखो वेजीज, पत्ता गोभी, प्याज, ऊपर टिक्कियां। सर एक बार टिक्की रोक के दिखाओगे हाथ में? ये दिखाइए पास में एक बार, ये देखिए टिक्की में क्या भरा हुआ सर? वेजीज वगैरह। वेजीज वगैरह। और अपनी टिक्की सर? अपनी टिक्की है भाई, ये फ्रोजन नहीं है। ये देखो ये ऊपर आगे नूडल्स एकदम बढ़िया मेरे भाई। और जो स्पीड है ना सर, जितना आपके पास रश है उससे तो हाईवे जाम हो जाए, इसलिए आपको काम तेज करना पड़ता है। क्या बात है जी, कस्टमर आए, गाड़ी रोके और ऑर्डर ले जाए, ऑर्डर ले साथ के साथ ही जाए। हाँ दिया दिया। ये देखिए जी एकदम तीन रेगुलर खाने वाले पैगा, ऑर्डर जाते ही जा रहे हैं, लगते ही जा रही है। ये देखिए जी, ये हरी चटनी सर अपनी बनी हुई है? हाँ जी। नहीं सर, आप ये बनवाते हैं? अच्छा। हाँ जी, ये बाजार से बनवाई जाती है भाई। देखिए प्याज, और ये देखिए, वाह 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 यार, मतलब बर्गर बहुत तरह के दिखाए भाई। ये वाला बर्गर तो ना एक्सट्रीम ही है, बहुत ही सुंदर। अगर आपने अभी भी खाना खाया है ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको फिर भूख लगी होगी। एकदम शानदार, दो मसाला फ्राई के दो। सर एक पैक करके दिखाइए बर्गर, बढ़िया से कैसे पैकिंग करते हो। ये देखो जी वाइन आया अब, ये एकदम बढ़िया से पैक। वाह, ये पैक होके बर्गर आ गए। और इधर देखिए जी, फ्राइज फ्राई हो रहे हैं, लगते जा रहे हैं। और इस साइड एक बार पिज़्ज़ा का हाल तो देखिए क्या हुआ है। ये देखो जी, ये चीज़ आ गया ऊपर, ये वेज पिज़्ज़ा। हाँ जी, वेज पिज़्ज़ा। सर कितने का पिज़्ज़ा अपना है?
130 रुपए। 130 रुपए के अंदर भाई वेज पिज्जा मिल जाएगा आपको। और जो बर्गर रेडी हुआ ये कितने का? 30 रुपए के। 30 रुपए भाई, एक बार दोबारा देखना। 30 रुपए। 30 रुपए। हाँ जी हाँ जी भाई, ये 30 रुपए के अंदर इतना लोडेड बर्गर वो आया यार। हाँ जी जबरदस्त, एकदम छन छन करती हुई आ गई है बीच में। चाट मसाला, ये चाट मसाला क्या जी? हाँ जी, ऑर्गेनो स्पाइस मिक्स। ऑर्गेनो और स्पाइस मिक्स एकदम बढ़िया है। मसाला फ्राइज है ना? हाँ जी हाँ जी, पेरी पेरी। यस एकदम बढ़िया यार। भाई जी पिंड केड़ा थोड़ा? डगरू पिंड है ये, पास में ही है। हाँ जी हाँ जी, 10-15 किलोमीटर है। वाह वाह वाह। और वो ट्राले में लेके आते हो ट्रैक्टर? हाँ जी, यहाँ पे अपनी दुकान है, यहाँ पे कैफे अपने खोला है न्यू। ओके ओके ओके, पराठा कैफे, वहाँ से ले आते हो? वहाँ से। ये देखो भाई, ये फ्राइज बढ़िया सी लग के तैयार है। और मतलब हाईवे पे ना यार ऐसी चीजों की क्रेविंग होती है। और ये ज्यादातर पता क्या होता है, लोग खाना चाहते हैं ऐसा सामान, पर गाड़ी से उतर के कोई जाके पार्किंग में लगा के अंदर नहीं जाना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आपने मसला ही ठीक कर दिया। हाँ जी हाँ जी, बाहर ही रोको भाई ट्रक में, यहाँ गाड़ी रोको, खिड़की में आवाज मार दो। बिल्कुल सर। और अपना चीज लो, ये देखो जी टिक्का मसाला एकदम बढ़िया, ये साथ में आई जी मेयो। हाँ जी वाह। और फ्राइज की प्लेट बढ़िया से लगता है। फ्राइज ब्रे, अरे बर्गर वाले भैया तो मेरे को लगता है सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही रहते तवा के ऊपर। बर्गर की डिमांड सर नेक्स्ट लेवल अपने। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर। और स्टार्टिंग 30 का, और सब तो महंगा मॉडल भाई कितने का? 70 का। 70 टॉप मॉडल अपना। हाँ जी टॉप मॉडल। उसमें क्या क्या होता है? उसमें डबल चीज होगी, ठीक है, टिक्की सैलेड, सारे कॉम्बो टेस्ट होगा सभी बर्गरों का। हाँ जी, एक बना के दिखा सकते हो? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल भाई, अभी ना वही लगवाते हैं जो टॉप मॉडल है यहाँ का। एक स्पेशल बर्गर लगाई, देखो जी अपना स्पेशल बर्गर लगने जा रहा है। पहले केचप आ गई, ऊपर आ गई पत्ता गोभी और प्याज। ये देखिए जी, ये टिक्की की जगह आएगा, पनीर, पनीर टिक्का, और ऊपर क्या है सर? ये टिक्का मेयो। हाँ जी हाँ जी टिक्का मेयो एकदम बढ़िया जी। उधर देखिए जी, ये टिक्की की कटिंग कर दी गई है। अच्छा डबल लेयर है सर ये? हाँ जी हाँ जी डबल। क्या बात है यार, ये देखिए ऊपर से, अरे वाह वाह वाह, एक बार ये पास से देखो भाई, ट्रिपल लेयर ऊपर ककुम्बर्स, मेयो, एक पनीर स्लाइस, ये ऊपर हरी चिली, पनीर के ऊपर पनीर भाई जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, ये तो पंजाब में हो सकता प्यार है ये। हाँ जी, पनीर के ऊपर पनीर, और ये क्या है सर ऊपर? तंदूरी सॉस? नहीं चिपोटले। चिपोटले, और ऊपर ये सैलड, ये फिर से केचप। सर ये तो मेरे हिसाब से दो बंदे खाएंगे इसको आराम से। बिल्कुल सर, ये चेक करना मेरे भाई, ये बर्गर है। और सर कितने का ये? ये सर 60 रुपए का। 60 रुपए का? हाँ जी 60 रुपीज के अंदर भाई आप देख रहे हो, ये जबरदस्त यार, जबरदस्त भाई। बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट क्या सामने वॉक में क्या लग रहा है सर? मंचूरियन लगने लग रहा है सर। देखो भाई ओहो, मैंने ये देखो बोला ट्रक बन गया, ये मंचूरियन लगने जा रहा है एकदम फायरी। वाह बॉस का एकदम बढ़िया से डांस। ये टमाटो केचप आ गई भाई, दो टिक्की रैप, सोया सॉस, ये देखिए जी मंचूरियन एकदम बढ़िया। वाह वाह वाह, जबरदस्त यार, प्रॉपर फाइन डाइन वाली एकदम बढ़िया से मंचूरियन लगकर तैयार है अपना। कि बिना क्रीम तो हो गए? वाह ये देखिए बस ठीक है, क्रीम तो बिना नहीं कीते। आप कितने का मंचूरियन? हाफ मंचूरियन 50 रुपए। 50 रुपए के अंदर। और बर्गर तो मैं दोबारा कहूंगा भाई जी, सेल ही अपने को बर्गर की। हाँ जी हाँ जी सर, भाई जो भी गाड़ी आ रही है ना एक ही डिमांड है, मेन्यू भी नहीं देखते लोग, आते ही ऑर्डर करते हैं बर्गर दे दो। जबरदस्त, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। बाहर खाते हैं और खा के स्वाद बताते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। भाई सनसेट का टाइम होने वाला है, जब बढ़िया कोई शूट मिल जाए ना आप लोगों को दिखाने के लिए, बढ़िया चीज मिल जाए, मेरे ना अंदर कैसे बोलते हो तितलियां से उड़ती हैं बॉडी के अंदर की, भाई मजा आ गया। वो वाला हिसाब इधर आओ। ये जी पनीर सैलड, एक बन की लेयर, फिर सैलड टिक्की, पनीर ककुम्बर्स, मतलब बहुत ज्यादा लोडेड, और सिर्फ 60 रुपीज। 60 रुपये ये लोडेड आधा है भाई अभी, मतलब इतना है आधा में रखा हुआ है। इधर वो स्वाद देखते हैं कैसा है। ओ ओ भाई ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर है, ब्लास्ट पनीर टिक्का ना, वो सॉफ्ट पनीर नहीं है, तवे पे रखे ना थोड़ा च्यूई पनीर हो गया, तो पनीर के साथ प्रॉपर फ्लेवर, प्याज का क्रंच और टिक्की, बढ़िया टिक्की मसाले वाली, मतलब ऐसा ही साबा 60 रुपए के अंदर ना, यहाँ से खाओगे मिनिमम 3 घंटे भूख नहीं लगेगी, पूरा ओवरलोडेड है। बहुत ही ओवरलोडेड है, अगर भूख ज़्यादा लगी है 60 वाला खा लेना, नहीं तो भाई 30 वाला जो था ना
वो भी देख रहे हैं बहुत जबरदस्त, वो भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अभी ये देखो भाई मंचूरियन एकदम बढ़िया। बताओ भाई कैसा स्वाद? सनसेट का टाइम है। अरे यार ये नज़ारा और हाईवे का नज़ारा, और ऐसे ड्राई मंचूरियन मिल जाए मसाले के साथ, अभी आपको खा के बताते हैं। भाई कहने को तो हमने ड्राई मंचूरियन लगवाए हैं, बट खाने में ऐसा नहीं है कि बहुत ही सूखा या कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। मंचूरियन है ना जैसे मन छू लिया इसने। क्या बात है।